चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसका विस्तार। भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही हम देखें तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं मालवा का पठार, जो कुल क्षेत्र का 28,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, यानी 28% भाग में मालवा का पठार आता है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार। अपने कई खूबियों को लिए हुए है ये क्षेत्र, ये पूरा कहलाता है हमारा मालवा का पठार, जिसे हमने एक लाइन से यहाँ पर इसको जो है कि सिलेक्ट किया है, इसको हम दर्शा रहे हैं। दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार, जो 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेली यहाँ पर बोली जाती है, इसकी भाषा है बुंदेली, जो 7.7% टोटल भाग है। ये रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना डिस्ट्रिक्ट की सीम लगते हैं, और ये बंघेलखंड का पठार है, साथ ही साथ ये नर्मदा सोन क्षेत्र है, ठीक है ये वाला, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्तर पर इसको बांटा गया है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा के पठार की यदि बात करें तो ये मध्य पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पूरा जो भाग है ये मालवा का पठार आता है, मध्य से पश्चिमी तरफ, यानी यहाँ पर सागर और इसके पास में भोपाल वगैरह, ये शाजापुर और रायसेन और ये सारे डिस्ट्रिक्ट। यदि क्रमबद्ध यदि हम बात करें इसके जिलों की, तो इसके अंतर्गत आता है मंदसौर, इसके अंतर्गत आता है रतलाम है, ये उज्जैन इसके अंतर्गत आता है, इसके अलावा देवास है, शाजापुर है, और राजगढ़ भी इसी के अंतर्गत है, सागर है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा, ये रायसेन, ये सारी डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत। इसके अलावा इधर ये गुना और इंदौर है, ये छूट गया था इसमें, तो ये क्षेत्र भी जो है कि मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ धार है, और हमने ये थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया था, तो इसके अंतर्गत धार और ये क्षेत्र भी जो है कि मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। साथ ही जलवायु की यदि बात करें तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, वैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही सम जलवायु पाई जाती है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है कि उष्ण या उपोष्ण के अंतर्गत कुछ क्षेत्र थोड़े बहुत हैं, बाकी सम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा का औसत है जो मालवा का पठार, इसमें 125 सेंटीमीटर वर्षा का औसत मान है, और तापमान की यदि बात करें तो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। यहाँ के मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर गहरी और काली मिट्टी पाई जाती है, और जिसमें सोयाबीन का उत्पाद और कपास आदि का उत्पाद होता है, उर्वरक क्षमता भी इसकी अच्छी होती है। इसके नदी श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी जो यहाँ से निकल करके चंबली क्षेत्र में गई हुई है, चंबल नदी यहाँ पर है, काली सिंध नदी का भी प्रवाह इसमें है, ये शाजापुर के पास ही काली सिंध नदी यहाँ से निकलती है, क्षिप्रा नदी जो उज्जैन से निकल करके हुई है, पार्वती नदी है जो सीहोर से होते हुए ही है, बेतवा है, नेवज है, सोनार नदी है, तदोनी नदी है, माही नदी है, ये कुछ छोटी नदियाँ हैं, बारना नदी है आदि प्रवाहित होती है ये पूरे मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने बात ही की थी, सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल है, इसके साथ ही साथ गेहूँ, कपास, मूंगफली, चना, गन्ना, ये आदि फसल यहाँ पर बोई जाती हैं। साथ ही साथ एक और यहाँ पर रोचक है, फसल की बात आई है तो सीहोर जो मंडी है ये गेहूं उत्पादन में जो है कि प्रमुख मंडी है गेहूं की। यहाँ का जो क्षेत्र है सीहोर के आसपास का, इसमें बम्पर पैदावार होती है गेहूं की, इसलिए यहाँ की जो मंडी है वो सीहोर मंडी है, जहाँ पर इसके जो गेहूं की फसल है उसके जो भाव है, यदि जो मूल्य है वो बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर, इसलिए ये प्रसिद्ध मंडियों में आती है गेहूं के लिए। चना के लिए इसकी पास ही शाजापुर के अंतर्गत सुजालपुर स्थित है, तो ये चना मंडी के लिए मशहूर है। के आगे हम बढ़ते हैं, इसकी और भी कुछ चीज़ की संबंधित है, जैसे पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर उज्जैन जो है कि जिला यहाँ पर स्थापित है, और जो उज्जैन को तीर्थ का सरोवर कहते हैं, यहाँ पर दार्शनिक स्थल
बहुत ज़्यादा मात्रा में। देवों की भूमि भी इसको कहा गया है, और यहाँ पर सिंहस्थ का मेला भी यहीं पे लगता है। तो उज्जैन देवों की भूमि है। इसके साथ ही साथ सांची के अंतर्गत ये रायसेन जिला है। यहाँ पर सांची के अंतर्गत जो है कि इसी जिले के अंतर्गत बुद्ध स्तूप यहाँ पर है। भीम बेटिका है भोपाल के पास ही, भोजपुर है, भोजपुर के तरफ भीम बेटिका है। तो ये इसके दार्शनिक स्थल है मालवा के पठार के अंतर्गत। तो और भी इसकी कई खूबियां हैं, लेकिन जो अधिकतर भी पूछी जाती है हम इसके आधार पर, इसको श्रृंखला के आधार पर, भौगोलिक श्रृंखला के आधार पर हम इसके बंटवारे की बात कर रहे हैं। अगला हमारा आता है, हम लेकर के चलते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो ये क्षेत्र है, ये पूरा बुंदेली है, जिसके अंदर टीकमगढ़ और छतरपुर आदि क्षेत्र आते हैं। और इधर का भी कुछ क्षेत्र है, भिंड वगैरह के भी हैं, शिवपुरी के भी हैं, ग्वालियर का भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो ये पूरा बुंदेलखंड का पठार, जिसके अंतर्गत दतिया है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, शिवपुरी है, ग्वालियर है, भिंड है, ये कुछ तहसीलें और कुछ क्षेत्र इसका आता है। टोटल यदि हम बात करें क्षेत्र की, तो बुंदेलखंड के हमने वर्ग किलोमीटर की बात करें तो बुंदेलखंड 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कुल क्षेत्र का 7.7% भाग बुंदेलखंड के अंतर आता है। वहीं पर ये 28% आता है, सबसे ज़्यादा मालवा का पठार आता है, और वहीं पर इसका 7.7% बुंदेलखंड का पठार है। इसकी अन्य विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, साथ ही साथ वर्षा का औसत यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर है, वहीं पर इसका 125 सेंटीमीटर है, वहीं पर इसका कम है। यहाँ पर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत, मिश्रण है इसका, उपजाऊ तौर पर थोड़ा कहीं ना कहीं कम है इसके अपेक्षा, मालवा के पठार की जो काली मिट्टी है उसके अपेक्षा। नदी में यहाँ पर बेतवा है, केन है, दसान है, और सिंध नदी इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रवाहित होती है। वनों जो की बात करें तो यहाँ पर सागुन, खेर, तेंदुपत्ता, नीम, महुआ यहाँ की प्रमुख फसल है। कृषि की बात सॉरी ये तो वनोपजाऊ है। कृषि की बात करें तो यहाँ पर ज्वार, गेहूँ, तिल, ये सारी चीज़ें कृषि के रूप में पैदावार इसकी ली जाती है, पैदा की जाती है। औद्योगिक दृष्टि में टीकमगढ़ औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन में की भी एक विशेषता है यहाँ की, यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है खजुराहो के, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड का पठार के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सतखड़ा महल भी स्थित है, इसी में जौहर कुंड है, साथ ही साथ नौडा महल है, वह खूनी दरवाज़ा, क्या भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खूनी दरवाज़ा किस पठार के, पठारी श्रृंखला में यदि पूछा जाता है तो वो ध्यान रखना है आपको, बुंदेलखंड के अंतर्गत खूनी दरवाज़ा आता है। तो ये हमारा इस क्षेत्र में हो गया मालवा का पठार, और ये हो गया हमारा बुंदेलखंड का। इसके बाद आता है मध्य भारत का पठार। ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार है, जिसे हमने ब्लैक इंक से यहाँ पर कवर कर रखा है। मध्य भारत के पठार की बात करें तो मध्य भारत का पठार जो है कि 32,896 किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल वर्ग क्षेत्रफल का 10.68% है ये। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख जिले हैं उसमें शिवपुरी, यहाँ पर ये शिवपुरी को हमने टिक किया हुआ है, बीच में ही है, शिवपुरी है, भिंड है, शिवपुर है, मुरैना है, मंदसौर है, नीमच है, गुना है, ये सारे क्षेत्र जो जिले हैं ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर वर्षा का जो सोर्स है वो पाया जाता है, या वर्षा होती है सेंटीमीटर में। सबसे कम वर्षा जो होती है वो भिंड में होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर मालवा के पठार के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, वहीं पर यहाँ पर जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसकी पैदावार इससे कहीं ना कहीं कम ही है।
यहाँ पर चंबल नदी बहती है जो मुख्य नदी है इस क्षेत्र में चंबल, और इसीलिए इसको चंबल संभाग के नाम से भी जाना जाता है। हमने संभाग की श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ा था, तो चंबल पर संभाग यही क्षेत्र पूरा चंबल संभाग है। तो यहाँ की मुख्य नदी चंबल नदी जो यहीं से होकर के गई हुई है। फसलों की बात करें तो यहाँ पर सरसों की पैदावार ज़्यादा की जाती है, उपज ज़्यादा की जाती है। उसके बाद दूसरी स्थिति में यहाँ पर गेहूँ की पैदावार भी कुछ मात्रा में की जाती है। यहाँ के दार्शनिक क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर का किला इसमें है, ये ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्वालियर का कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत भी आता है और बाकी का जो हिस्सा है वो मध्य भारत के बॉर्डर के अंतर्गत आता है। गुजरी महल भी है, सास बहू का मंदिर भी इसमें है। सास बहू यानी सास बहू या नहीं है, सास बहू यानी सहस्त्र बहू का मंदिर यहाँ पर है, ये तो जिसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है। तेली मंदिर यहाँ पर है, हिंडोला द्वार यहाँ है, तो ये इसके पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। या दार्शनिक स्थल की बात करें तो उसके अंतर्गत आते हैं, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। चलिए, हमने इसका कुल क्षेत्रफल देख लिया था, 32,896 वर्ग किलोमीटर है के अंतर्गत ये फैला हुआ है। यहाँ पर हमने साइड में लिख भी दिया है ताकि आप यहाँ से पढ़ करके भी उन चीज़ों को याद रख सकें। आपको कहीं कोई चीज़ ऐसी लगती है तो आप उस समय इसको पुश कर सकते हैं, वीडियो जो चल रहा है, और उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं। अगला आता हमारा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, विंध्य क्षेत्र भी आता है, तो विंध्य का पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि विंध्य से शैली यहाँ पर पाई जाती है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें रीवा पन्ना का, तो 31,955 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है, जो 10.37% है, यानी 10.37%। यहाँ के जिले की बात करें तो इसके अंतर्गत पन्ना, रीवा, दमोह, सतना, सागर, सागर का कुछ क्षेत्र इस इधर मालवा के पठार में भी लगता है, और बाकी का जो क्षेत्र है वो कुछ क्षेत्र इसका ये तीनों में मिला हुआ है। सागर मिडिल में आता है, कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड में भी आएगा, कुछ क्षेत्र इसका रीवा पन्ना में भी आता है, और कुछ क्षेत्र मालवा के पठार के अंतर्गत भी आता है। तो इसके ये जिले हो गए। यहाँ की जलवायु जो है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, और वर्षा का जो औसत है वो 125 सेंटीमीटर, यानी जितना मालवा के पठार का है उतना ही वर्षा का औसत इसका भी है। यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर इसकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसमें मध्य भारत के पठार में यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, वहीं पर यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। प्रवाहित होने वाली जो नदी है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत, उनमें केन और सोन प्रमुख है। इसके साथ ही साथ टॉस और ब्योरामा आदि नदी भी, ब्योरामा नाम की नदी है वो भी इसके अंतर्गत प्रवाहित होती है, छोटी नदियों के अंदर आती है। यहाँ की कृषि में गेहूं मुख्य रूप से है, तथा ज्वार, तिलहन आदि अन्य फसल भी इसमें बोई जाती है, उपज उनकी ली जाती है। औद्योगिक दृष्टि में की बात करें तो सीमेंट उद्योग यहाँ पर सतना में है, ये सतना है, यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी, कई बार की पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो आप सतना बता सकते हैं। हीरे तराशना का कारखाना ये पन्ना में है। यहाँ पर दार्शनिक स्थलों में यहाँ पर मेहर का शारदा मंदिर, चचाई व केवटी जलप्रपात, चचाई और केवटी प्रपात का भी, जलप्रपात का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद ये हमारा क्षेत्र है बघेलखंड का पठार, इसे हम इस क्षेत्र को बोलेंगे बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शहडोल इसके अंतर्गत आता है, शहडोल के अलावा सिंधी, सिंगरौली, ये सिंधी सिंगरौली भी यहीं पर है, उमरिया, डिंडोरी आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु है, और इसका वर्षा का जो औसत है वो भी वो 125 सेंटीमीटर है, यानी इन तीनों का, मालवा के पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार, इनके अंतर्गत 125 सेंटीमीटर वर्षा
का औसत है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर सोन और नर्मदा नदी का तो उद्गम क्षेत्र ही है यहाँ पर अनूपपुर। तो नर्मदा, जोहिला नदी आदि यहाँ पर प्रवाहित होती है। कृषि उपज में यहाँ पर चावल मुख्य रूप से उपज किया जाता है और अन्य फसलों में अलसी, ज्वार, तिल आदि का उपज भी यहाँ पर किया जाता है। यहाँ के खनिज की बात करें तो यहाँ पर कोयला मुख्य है, साथ ही बास्काइट, चूने का पत्थर आदि चीज़ें भी यहाँ पर खनिज पदार्थ में पाई जाती हैं। कुल क्षेत्रफल की बात शायद हमने नहीं की, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 25,000 वर्ग किलोमीटर है और बघेलखंड पूरे वर्ग किलोमीटर का 7% लिए हुए हैं, यानी 7% जगह जो है वो बघेलखंड के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ यहाँ पर निजी क्षेत्र की कागज मिल अम्लाई क्षेत्र में स्थापित है, यानी यहाँ पर कागज मिल भी इसी के अंतर्गत है। और एक और यहाँ की विशेषता है, सफ़ेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहीं पर स्थापित है बघेलखंड के अंतर्गत। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। कर्क रेखा इस पठार के बीचों बीच से गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है जो 14 जिलों से होकर के गई हुई है, तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे कर्क रेखा के समय में। और साथ ही साथ एक और यहाँ का क्वेश्चन जो आता है वो है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी इस क्षेत्र के अंतर्गत है और वो है सिंगरौली। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद बाकी का जो जो क्षेत्र है ये नर्मदा सोन घाटी है जो 86,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और 26% भाग आता है नर्मदा सोन घाटी का, ये वाला भाग। इसको हमने थोड़ा सा कम लगाया लेकिन इसको हम ज़्यादा ही कह सकते हैं इतना भाग। ये हम कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला भाग हमारा नर्मदा सोन के अंतर्गत आएगा। और इसके नीचे का जो भाग है ये पूरा भाग ये सतपुड़ा प्रदेश का है, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने जंगल, तो ये वही जंगल है सतपुड़ा के घने जंगल, तो ये सतपुड़ा क्षेत्र आता है जो 11% है, 34,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सतपुड़ा जंगल कितने उसमें फैला हुआ है, तो इसका सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वो है 34,000 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार है, इसके बाद नर्मदा सोन घाटी का पठार, सोन श्रृंखला कहेंगे, पठार नहीं कहेंगे, तो नदी इसमें नर्मदा नदी निकली हुई है, पूरा क्षेत्र उसका है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को हमने समझा। साथियों इसमें खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आप मैप याद कर लें, यदि मैप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन का हल यहाँ पर निकाल पाएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।